نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. Today is a happy day for you guys. Reason, हमने आज तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, वो एक रिजल्ट अचीव करने के लिए पढ़ी हैं. We are very much closer now to the result. और उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए हमने जितनी अब तक मेहनत की, जितने लेक्चर्स किए, जितने आपने स्लाइड्स देखी, मटेरियल स्टडी किया, अपनी नॉलेज को लेवल अप किया, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने की कोशिश की, जो कुछ आपने अभी तक समझा, इट्स मोर लाइक द डे ऑफ योर एग्जाम. और आपने वो एग्जाम में आप अपीयर हुए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में अपनी लर्निंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, उसके डिजाइन और सारा कुछ देख के, स्टेप्स देख के हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था आखिरकार. तो वो तो हो गया इम्प्लीमेंट. नाउ द पॉइंट इज कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद का क्या है? क्या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में अपीयर होने के बाद, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है उसका रिजल्ट. जी हाँ, ये रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली आपको बताती है कि आपने एग्जाम में क्या किया, जो आपको आपका रिजल्ट देती है, आपकी मेहनत का रिजल्ट देती है, आपकी वो तमाम थिंकिंग का रिजल्ट देती है, या इसको मैं इस तरह कहूंगा कि वो जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपनी तरफ से करके कोई चीज इम्प्लीमेंट की और उसके बाद आपने देखना है कि उसका रिजल्ट क्या निकला. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये जो रिजल्ट निकलना है, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब आप अपने डिजाइन स्टेप्स आप उनको फॉलो कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आफ्टर डिजाइनिंग, तो उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले इन डिजाइनिंग फेज आपने उसकी असेसमेंट का भी मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी थी, वो भी आपने इम्प्लीमेंट करनी थी. तो वो जो लास्ट स्टेप उसका था इन डिजाइन स्टेज, उसका जो लास्ट स्टेप था वो था असेसमेंट वाला, वो चीजें देखना. नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि वो स्ट्रेटजीज क्या हैं. आपने पेपर तो अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपके पेपर की मार्किंग स्कीम ही नहीं बनाई, एग्जामिनर ने आपको वैल्यूएट करने के कोई स्कीम, कोई स्ट्रेटजी, कोई मॉडल ही नहीं डेवलप किया, तो फिर आपका वो एग्जाम देने का फायदा भी कुछ नहीं होगा. सेम इज द केस, आपने एक लर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया बड़ी मेहनत करके सारा कुछ, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने उस लर्निंग प्रोग्राम को जो डिजाइन किया है उसको आपने चेक कैसे करना है, तो फिर आपको अपनी कैपेबिलिटी का कैसे पता चलेगा, आपको अपने रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज का कैसे पता चलेगा, या आपको वो जो सारी मेहनत की है उस मेहनत का कैसे पता चलेगा. सो वो जो पता करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम इवेल्युएशन. यस, दिस इज द रिजल्ट ओरिएंटेड डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. यहां से आपकी वो तमाम मेहनतों का जो निचोड़ है, जो रिजल्ट है, वो इसके थ्रू पता चलेगा कि आपने प्रोग्राम को इवेल्युएट कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपने रिसोर्सेस को और अपने टॉप मैनेजमेंट को अपनी मेहनत के बारे में बताना है. तो वो बगैर किसी फिगर्स के, बगैर किसी रिजल्ट के आप कभी भी नहीं बता सकेंगे, एंड द रिजल्ट हैव टू बी वेरी वेरी इम्प्रेसिव. सो वो इम्प्रेसिव रिजल्ट बनाने के लिए आपने वो सारी डिजाइनिंग की थी, सारी मेहनत की थी, सारे इवेल्यूएशन की थी, असेसमेंट की थी, आपने प्री असेसमेंट, फिर एक्शन प्लान, ये सारा कुछ आपने, जिस सारी चीजें सीखी, सारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप लेकर आए, क्रिएटिविटी लेकर आए, आप अपने जितनी असेसमेंट थी वो सारा कुछ किया, वो करने के लिए, वो करने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट अचीव करना है उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, दैट इज योर इवेल्युएशन. आपने इवेल्युएट करना है, स्टार्टिंग में इवेल्युएट करना है, मिडल में इवेल्युएट करना है, और फिर एक एंड में आपने इवेल्युएट करना है. ये एक कॉन्टिन्यूस टाइप की चीज है. सो लेट्स सी कि ये प्रोग्राम इवेल्युएशन क्या है. लेकिन मैं इससे पहले कि आगे चलूं इस लेक्चर में,
ये जो लेक्चर है इट इज गोइंग टू बी एन एलैबोरेटिव लेक्चर. इसमें काफी ज्यादा मटेरियल मैंने इंक्लूड किया सो दैट कि आपको वो इवेल्युएशन के तमाम मॉडल्स, तमाम मॉड्यूल्स जो हैं वो बता सकें, आपको तमाम टेक्निक्स बता सकें, मेथड्स बता सकें, स्ट्रेटजीज बता सकें और एक एक चीज को एलैबोरेट किया. सो प्रॉब्ली दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड इनटू टू लेक्चर्स. लेट्स सी ऑब्जेक्टिव क्या है. इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम इवेल्युएशन. Provide information and resources to help you design and conduct your own program evaluation. आपको वो तमाम information provide की जा सके, in fact आपको वो तमाम knowledge provide किया जा सके कि जिसकी बेस पे आप program evaluation में जोन जोन से steps involve हैं आप उसको सीख सकें. Secondly, आपको वो तमाम information resources provide किए जा सके कि जो आपको help करें कि आप अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोग्राम को इवेल्युएट कर सकें या प्रोग्राम इवेल्युएशन आप कंडक्ट कर सकें. प्रोग्राम इवेल्युएशन ट्रेनिंग. दिस ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन इज इन 16 मॉड्यूल्स इनकम्पासिंग 9 स्टेप्स इन द इवेल्युएशन प्रोसेस. ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम ट्रेनिंग के जो 16 मॉड्यूल्स हैं और 9 स्टेप्स हैं इवेल्युएशन प्रोसेस के, हम उन सब को कवर करेंगे. सो दैट हमने एक्चुअली इन दोनों को एसोसिएट करना है और इन दोनों को आपस में मैप करना है सो दैट आपको ये पता चल सके कि मॉड्यूल्स और वो प्रोसेसेस आपस में किस तरीके से चलते हैं, आपने कैसे कौन कौन से मॉड्यूल कौन कौन से एरिया को किस किस लेवल पे आपने इवेल्युएट करना है और कैसे करना है. लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द मॉड्यूल्स. मॉड्यूल 1 इज इंट्रोडक्शन. मॉड्यूल 2 इज ओवरव्यू. मॉड्यूल 3 डिफाइनिंग द पर्पस. मॉड्यूल 4 स्पेसिफाइंग द क्वेश्चंस. मॉड्यूल 5 Identifying evidence needed. Module 6, specifying the design. 7, data collection plan. Module 8, how to collect data. Module 9, using commercial instruments. Module 10, using self-constructed instruments. Module 11, collecting data. Module 12, analyzing data. Module 13, drawing conclusion and documenting findings. Module 14, disseminating information. Module 15, feedback for program improvement. And module 16 is your conclusion. Let's start with module 1, that is introduction. In introduction, there are 3 questions and also a statement. The first question is to you guys. हमने पीछे कुछ exercises अब तक किए हैं. कुछ हमने ये देखा है कि आपके मुख्तलिफ programs किस तरीके के हो सकते हैं, strategies किस तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी strategies आप apply करते हैं. आपने अगर डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले वो वाई जो क्वेश्चन था, वाई वाला जो पॉइंट था, वाई यू वांट टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम विद द क्लाइंट, आपने वो डिस्कशन करनी थी और उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन गेट करें उस इन्फॉर्मेशन से आपको एक स्टेटमेंट मिलनी है, एक डायमेंशन, एक एरिया मिलना है, एक पर्पज़ मिलना है. सो उसी पर्पस के साथ आपने एक चीज कंबाइन करनी है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाई इवेल्युएट. आप इवेल्युएट क्यों करते हैं? क्या जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग मार्क्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जजिंग पीपल,
आप सिचुएशन को एवेल्युएट क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कोई सोल्यूशन निकालना होता है, आपने कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करना होता है, एडॉप्ट करना होता है. सो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन एडॉप्ट करना, ये सारा कुछ जो आपके पर्पस होते हैं, क्या ये आपकी एक काइंड ऑफ इवेल्युएशन नहीं होती फॉर योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? क्या एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्पस नहीं है? आप जब भी इवेल्युएट करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिसोर्स को, किसी टाइम को, किसी भी चीज को, आप जब इवेल्युएट करते हैं, तो एक्चुअली आप एक एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, एक गैप फिलिंग एरिया फाइंड कर रहे होते हैं कि यस, मैंने ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया था, उसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था और ये मेरा रिजल्ट निकला. क्या ये रिजल्ट मेरे ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा? यू रिमेंबर, हमने वो जो एग्जांपल ली थी रोड ए और रोड बी वाली. सो आपने अपनी ऑप्शंस को इवेल्युएट किया, उसके बाद आपने रोड बी को ऑप्ट किया और फिर उसके बाद आप उससे जब अपने मोटिव को अचीव कर लेते हैं, तो फिर दोबारा आप कंक्लूड करते हैं कि ये जो मैंने कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई किया था, ये जो मैंने रास्ता चूज किया था, ये मेरे लिए ठीक था या नहीं था. व्हाट इज इवेल्युएशन? इवेल्युएशन क्या होती है? व्हाट डज इवेल्युएशन डू? इवेल्युएशन करती क्या है? यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, बल्कि एक स्टेटमेंट मैं आपको यहां पे देता हूं. दैट स्टेटमेंट इज के व्हाट डज इवेल्युएशन डू, ये यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया या यहां पे एक पॉइंट है. इस पॉइंट के अगेंस्ट मैं आपसे एक पॉइंट रेज कर रहा हूं, दैट इज क्या इवेल्युएशन जो भी कुछ करती है, क्या हमारे नॉलेज बेस में वो कुछ एडिशन हो रहा है, हमारी एक्सपर्टीज में कुछ एडिशन हो रहा है या हमारे एक्सपीरियंस में कुछ ऐड हो रहा है? आपको एक बार पता चल गया, आपने कोर्स ऑफ एक्शन लिया, आपने किसी हॉट पैन को हाथ लगाया, आपको पता चल गया कि उससे हाथ जलता है, आपने इवेल्युएट किया और आपको पता चला कि वो हाथ जलता है, नेक्स्ट टाइम क्या आप उसको हाथ लगाएंगे? वो चीज आपके एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसमें एक एडिशन हो जाती है. सो ये जो एडिशन है और ये जो एक्सपीरियंस, वो जो लेवल अप होना है या वो जो इंक्रीज हो रहा है, उसमें चीज ऐड हो रही है, क्या वो इवेल्युएशन का एंड रिजल्ट नहीं है? आई गेस है. काइंड्स ऑफ इवेल्युएशन, और फिर काइंड्स कौन कौन से इवेल्युएशन की उसको हम देखेंगे. डिटरमिन प्रोग्राम आउटकम्स, आइडेंटिफाई प्रोग्राम स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव वीकनेसेस, जस्टिफाई यूज ऑफ रिसोर्सेज, increased emphasis on accountability, professional responsibility to show effectiveness of the program. What is program evaluation? Purposeful, systematic and careful collection and analysis of information used for the purpose of documenting the effectiveness and impact of program, establishing accountability and identifying areas needing change and improvement. ये जो आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ आपको क्या चीज बता रहा है? थोड़ा सा इस पर जरा फोकस करें. आपको इसमें से कुछ की एरियाज मिलेंगे, की पॉइंट्स मिलेंगे. नंबर वन इज पर्पजफुल. व्हाट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन? प्रोग्राम इवेल्युएशन क्या चीज होती है? नंबर वन, इट इज पर्पजफुल. इसका कोई ना कोई पर्पज होगा या होना चाहिए. नंबर टू, ये सिस्टमेटिक होगा. ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपने ठक बटन दबाया और वो रैंडमली एक रिजल्ट जनरेट कर देगा या इवेल्युएट कर देगा सारे प्रोग्राम को. नो, वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएशन होती है, सिस्टमेटिक होता है. आपको भी अगर याद हो, मैंने पीछे एक चीज बोली थी, दैट इज आपकी एक प्री असेसमेंट होती है, आपकी एक पोस्ट असेसमेंट होती है,
लेकिन प्री और पोस्ट के दरमियान में भी आपकी एक असेसमेंट हो रही होती है जो कि आपको मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट देती है, वो डायमेंशन क्रिएट कर देती है, स्टीयर कर रहे होते हैं आप उसको। इस सेम लाइक कि आपने कार को स्टार्ट किया और उसके बाद आपने उसको चलाना शुरू कर दिया। आपकी डेस्टिनेशन क्या थी? यूनिवर्सिटी। आपका एरिया कहां से था? आपका घर था। स्टार्ट आपने घर से लिया, जाना आपने यूनिवर्सिटी था। डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, सिस्टमैटिक वे में आप पहुंचेंगे। कार खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, गियर में डालेंगे, चलाएंगे। लेकिन क्या आप जब उसका रिजल्ट अचीव करें, दैट इज आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए या ऑफिस तक पहुंच गए, तो उस सारे में आपने क्या ड्यूरिंग दैट ऑल कोर्स ऑफ एक्शन आपने क्या कार को स्टीयर नहीं किया? आपने ये नहीं देखा कि आपके राइट साइड से कोई गाड़ी ना आ रही हो, आपके पीछे कौन सी गाड़ी है, आपके आपके लेफ्ट साइड पे कोई ट्रक ना हो, कोई रोड क्रॉसर बीच में ना आ जाए, आपके सिग्नल्स, हर चीज आप स्टीयर कर रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। सो वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन कलेक्टिंग, इन मॉनिटरिंग, इन कंट्रोलिंग दैट इंफॉर्मेशन। एंड इट इज ऑल्सो एन एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ दैट केयरफुलनेसनेस, दैट इज कि आपने जो एनालिसिस किया है या जो कर रहे हैं उसमें आप कितने केयरफुल हैं। क्या आपने कोई चीजें बीच में से स्किप तो नहीं करनी? क्योंकि जो आप स्किप करेंगे एंड में जो आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे वो ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट नहीं होगा, आप उसको सॉलिडिफाई नहीं कर सकेंगे, डिफेंडेबल नहीं होगा। क्योंकि जो चीज आप रिजल्ट बना रहे हैं, जिस चीज का भी रिजल्ट बना रहे हैं, उसका बेसिकली हर स्टेप आपने जस्टिफाई भी करना होता है और उसको फिर आपने इफेक्टिव बनाना है और उसका जो आइडेंटिफाई करेंगे उसके थ्रू आप एरियाज, उन एरियाज के थ्रू वो जो चेंज आप लेकर आए हैं उस चेंज को आप एज एन इम्प्रूवमेंट शो करेंगे। व्हाट इवैल्यूएशन डज? लुक एट द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एक्सपर्टीज एंड एनर्जी and compares those results with what you said you wanted to achieve before and after. ये simple वही concept है कि आप पहले क्या थे, उस वक्त आप क्या बनना चाहते थे और आप अब क्या हैं। ये सारा कुछ करने के बाद कितना knowledge आपने gain कर लिया to be what you wanted to be. Kinds of evaluation: outcome, implementation, formative and summative. Outcome evaluation: what and when, what identifies the results or effects of a program, what is the result? People ask, aapne exam diya, people ask you what was your result, how much you scored in your exam. So ये जो व्हाट वाली चीज होती है ये बेसिकली आइडेंटिफाई करती है द इफेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम, कि आपने जो क्लास में पढ़ा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ा, जो कॉलेज में पढ़ा, उस पढ़ने का क्या इफेक्ट हुआ और वो इफेक्ट एक्चुअली शो होगा नंबर्स में। सो व्हाट वर योर नंबर्स, व्हाट इज योर जीपीए। सो ये जो व्हाट है ना, ये एक्चुअली आपका वो नंबर है। व्हेन यू वांट टू मेजर स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ये जो व्हेन है ये मेजर करेगा कि आप के जो स्टूडेंट या आप या आपके जो वर्कफोर्स है उसके नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर कितना चेंज हुआ। Example, did program increase achievement, create better decision making? ये आपको आपके प्रोग्राम की evaluation से पता चलेगा
कि क्या आपकी जो अचीवमेंट्स थी वो बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्या ये समझने के बाद, ये पढ़ने के बाद या ये लर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, आपको क्या नए एरियाज पता चले हैं जहां से आप ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर सकते हैं या पर्सन एनालिसिस कर सकते हैं या टास्क एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आपको वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की टेक्निक पता चली है जिसके थ्रू आप अपने टास्क को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड लार्ज प्रोजेक्ट इनटू फेजेस, वो वाला काम कर सकते हैं। सो ये सारे आपके डिसीजन मेकिंग को ये चीजें इम्प्रूव करती हैं। इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन, डॉक्यूमेंट व्हाट द प्रोग्राम इज एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन को आप इस तरीके से देखें कि जो आपका प्रोग्राम था वो किस हद तक आपने इम्प्लीमेंट किया है, जो आपने प्रोग्राम डिजाइन किया था आप सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि मैंने एक्चुअली ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा कोर्स आउटलाइन है, ये मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को या अपने एम्प्लॉयज को, और उस कोर्स आउटलाइन का कितना पोर्शन आपने इम्प्लीमेंट किया है या आपने डिलीवर किया है। When a new program is being introduced, identifies and defines the program, identifies what you are actually evaluating. So, जब नया प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है और डिफाइन करता है कि आप एक्चुअली क्या चीज इवेल्यूएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हु रिसीव्स प्रोग्राम, वेयर इज प्रोग्राम ऑपरेटिंग, इज इट बींग इम्प्लीमेंटेड द सेम वे एट ईच साइट। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपने सपोज करें एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आपने ऑन साइट ट्रेनिंग भी करनी है और ऑफ साइट ट्रेनिंग भी करनी है। उसका एक ऑफिस लेट्स से फील्ड ऑफिस है और एक उसका हेड ऑफिस है, आपने एक ट्रेनिंग हेड ऑफिस में देनी है और एक आपने ऑन साइट जो आपका ऑफ शोर साइट है आपने वहां पर देनी है या फील्ड ऑफिस में देनी है। सो क्या दोनों ट्रेनिंग एक ही तरीके से दी गई हैं? सो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, जहां पे आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है आपने उस की भी इवेल्यूएशन करनी है। टाइमिंग ऑफ इवेल्यूएशन, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, याद रखिएगा आप किस टाइम पे कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे ने आपसे पूछा दोपहर के टाइम पे कि बाबा मुझे स्विमिंग करनी है या स्विमिंग कैसे की जाती है, सपोज करें उसने क्वेश्चन किया, आप रात को 2 बजे उसको उठा के कहें कि चलो इस वक्त स्विमिंग के लिए चलते हैं, मैं तुम्हें इस वक्त स्विमिंग सिखाता हूँ, तो क्या वो जो टाइम रात को 2 बजे आप उसको स्विमिंग सिखा रहे हैं क्या वो उसको हेल्प करेगा? ऑब्वियसली नहीं, उस टाइम का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उल्टा शायद नेगेटिव रिजल्ट निकले। सो इसी तरीके से अगर आप उसको डे टाइम में पीक आवर्स में आप उसको स्विमिंग कराते हैं, सिखाते हैं, तो उस टाइम के ऊपर जो उसकी इवैल्यूएशन होगी वो डिफरेंट होगी। इसके फॉर्मेटिव और समेटिव, As the program is happening to make changes as program is being implemented, and summative, at the end of a program to document result. Now module 2 is overview. Overview, the 9 steps process: planning, development, implementation, feedback. Step 1, define purpose and scope. Step 2, specify evaluation questions, that is the part of your planning. Step 3, specify evaluation design. Step 4, create data collection action plan. This is the part of development. Step 5, collect data. Step 6, analyze data. Step 7, document finding.
This is the part of implementation. Step 8, disseminate information. Step 9, feedback to program improvement. That is the part of feedback. So this is the 9-step process for evaluation. Let's see what is define purpose and scope. Step 1, scope purpose of evaluation. What are you doing and why are you doing this evaluation? Mandatory, program outcome or program improvement. These are the three areas ke jahan se aap why are you doing this evaluation or what are you doing in this evaluation ka jo answer hai aap yahan se extract kar sakte hain. Next is, what is the scope? How large will the effort be? Large, small, broad, narrow. How complex is the proposed evaluation? Many variables and many questions. Baz ukat aapne agar koi cheez evaluate karni hai, aap usko within click of a second aap usko evaluate kar sakte hain. बाज़ औक़ात उसमें इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो इवैल्यूएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. हम इसको भी देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन है उसको किस तरीके से किया जाता है और जो सिंपल इवैल्यूएशन है उसको किस तरीके से किया जाता है. सो व्हाट कैन यू रियलिस्टिकली अकॉम्प्लिश विद दिस इवैल्यूएशन? What can you realistically accomplish with this evaluation? आप जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की evaluation होते हैं या प्रोग्राम जो होते हैं उसमें बाज़ात हर चीज़ को आप evaluate नहीं कर सकते. So उसमें से realistically आप कितनी चीज़ें, वैसे तो आप सारी चीज़ें list down करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप चीज़ों को छोड़ देंगे. List down आप सारी चीज़ों को करेंगे लेकिन realistically, क्योंकि पेपर वर्क और चीज़ें और ग्राउंड रियलिटी और चीज़ है. पेपर वर्क में यस सारी चीज़ें लिस्ट ऑन हो सकती हैं, ग्राउंड रियलिटी में हर चीज़ नहीं हो सकती. तो उसमें से रियलिस्टिकली आप कितनी चीज़ें कर सकेंगे या वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से या रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं जिनको आपने मेजरली इवैल्यूएट करना है, तो आप पहले उनको प्रायोरिटाइज करें. रिसोर्स कंसिडरेशन इन स्टेप 1, रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स मीन्स आपके मॉनेटरी फैक्टर कितना उसमें इन्वॉल्व है, क्या वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि अगर आपने किसी लार्ज एरिया को वैल्यूएट करना है, आपने किसी लार्ज एरिया में कोई लेट से आपने कोई मार्केटिंग स्कीम लॉन्च की है और आपने फिर उसको इवेल्यूएट करना है, तो क्या वो जो मार्केटिंग प्रोग्राम आपने लॉन्च किया है या स्कीम जो आपने लॉन्च की है उससे लोगों की जिंदगी पर कितना इम्पैक्ट आया है या उनकी थिंकिंग कितनी चेंज हुई है, ये देखने के लिए आपने उस पूरे एरिया को स्टडी करना होगा एज अ सैम्पल. सो जब आप उस एरिया को स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, मॉनेटरी रिसोर्स भी लगेंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी लगेंगे. सो हु कैन ऑल्सो असिस्ट इन दैट इवेल्यूएशन? नीड टू ब्रिंग इन एक्सपर्टीज, डू इट योरसेल्फ और एडवाइजरी टीम. टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम वुड बी इन्वॉल्व इन दैट इवेल्यूएशन? सेट प्रायोरिटीज, सेम इज द केस एज बिफोर, जैसे मैंने कहा कि रियलिस्टिकली आप कितनी चीज़ों को इवेल्यूएट कर सकते हैं, तो उसमें से आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपने उस लिस्ट में से जो आपने इवेल्यूएट करने के लिए वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, उन वेरिएबल्स में से जो प्रायोरिटाइज वेरिएबल होंगे आप पहले उनको इवेल्यूएट करेंगे. हाउ You will use the information, और फिर उस information को आपने use कैसे करना है इसको हम फिर आगे देखते हैं. Module 4, specifying the questions. In this module, you will specify the evaluation questions. क्योंकि हमने कुछ variables पहले identify किए थे, as I said, ये और आपको देख भी रहा होगा ये 9-step process है और it is a systematic process. आप पहले वो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, जब वेरिएबल्स डिफाइन आइडेंटिफाइड और डिफाइन हो गए तो उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है इवेल्यूएशन क्वेश्चन फॉर ईच वेरिएबल. आपने वो उन तमाम डायमेंशंस को इवेल्यूएट करना है और उन डायमेंशंस के मुताबिक आपने क्वेश्चंस
जनरेट करने हैं, क्योंकि एवेल्युएट करना है, सो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. एवेल्युएशन क्वेश्चंस आर, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू नो अबाउट योर प्रोग्राम, क्या चीज है या वो कौन सा एरिया है जो आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या चीज, ऑपरेशनलाइज इट, मेक इट मेजरेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने शुरू के लेक्चर्स में एक बात की थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो शो करने के लिए आपने हर चीज को एक मेजरेबल एस्पेक्ट में डिजाइन करना है या क्रिएट करना है, हर चीज को नंबर्स में देखना है, हर चीज के अगेंस्ट कुछ कॉस्टिंग रखनी है. उसको उस वक्त तक आप कॉस्टिंग नहीं दे सकते जब तक आप उसकी डिविजन नहीं करेंगे और उसको एक नंबर एलोकेट नहीं करेंगे, एक डिफाइंड टर्म उसको एलोकेट नहीं करेंगे. डू नॉट मूव फॉरवर्ड इफ यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. एज अ सेड बिफोर कि हर चीज का एक की इंडिकेटर होता है, दिस इज द की इंडिकेटर, ये आपके लिए की इंडिकेटर है. अगर आपको ये चीज अभी तक नहीं समझ आई, देन देर मस्ट बी समथिंग दैट यू आर मिसिंग. आपको ये, चाहे आप वाटर बॉयलिंग पे लगे हुए हैं, आप पानी को बॉयल कर रहे हैं, आप उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इवन आप इस टाइम पे जितने टाइम आप ब्रीद कर रहे हैं, आप अगर लेट से यू हैव बीन चार्ज $100 एन आर, आप $100 पर आर के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट एज मैनी टाइम यू ब्रीद, मैं उसके अगेंस्ट भी पैसा रख सकता हूं कि एक मिनट में ये इतनी बार सांस लेते हैं, एक घंटे में इतनी बार सांस लेते हैं. सो एक घंटे में अगर $100 इनके ऊपर चार्ज हो रहा है, तो पर ब्रीथ ये इतने पैसे चार्ज हो रहे हैं इनके ऊपर. सो वो आप हर चीज के अगेंस्ट पैसा रख सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन कहां से मिल सकते हैं? फर्स्ट, योर स्ट्रेटेजिक प्लान. हमने ये देखा था जब ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस भी हमने करना था, तो उस वक्त भी हमारे लिए जो सबसे पहला पॉइंट था वो था ऑर्गेनाइजेशनल गोल या स्ट्रेटेजिक प्लान्स. नेक्स्ट इज योर मिशन स्टेटमेंट, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. आपकी पॉलिसीज से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. नीड्स असेसमेंट जो आपने किए उससे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं. एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन, लॉज, उनसे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ब्रॉड क्वेश्चन क्या चीज होती है? डू अ स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी आफ्टर ग्रेजुएशन? और वी कैन से और आस्क, Do a student contribute positively in their own organization after graduation? In HRD department, are they going to contribute positively? इसको इस तरह भी किया जा सकता है. This is an open-ended or broad question. Broader perspective में है. ये कोई बहुत narrow down नहीं कर रहा कि student A ने graduation करने के बाद training and development में, learning and development in organization का जो sub part है, that is learning, और learning का जो sub part है, that is strategic learning का एक sub part है, that is your new concept in behavior learning, उसका एक sub part है personality learning, क्या उसमें इसका impact हुआ या positive contribute किया, वो फिर एक बहुत नैरो डाउन क्वेश्चन हो जाएगा. ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. नेक्स्ट, डू स्टूडेंट्स इन आवर न्यू मेंटरिंग प्रोग्राम हैव अ मोर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स देन स्टूडेंट्स विदाउट एक्सेस टू द मेंटरिंग प्रोग्राम? अगेन ये कंपैरिजन आ जाता है. इट्स अ ब्रॉडर एरिया. वो जिनको मेंटरिंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, वो जिनको मेंटरिंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग नहीं मिली, क्या उनमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और बेटर डिसीजन मेकिंग के स्किल्स आए या नहीं आए? दोनों का आपस में कंपैरिजन. दिस इज अ ब्रॉड क्वेश्चन. टू व्हाट एक्सटेंट डज द स्टेट्स कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स
readiness for further education and training and success in the workforce. ये सारे के सारे आपको broader questions के examples दे रहे हैं कि आप ये समझ सकें कि आपने जो instrument या जो question specify करने for evaluation, उसमें हमने देखा कि broader और narrow दो types हैं, तो उसमें जो broader questions हैं उसकी type क्या है या broader scope क्या चीज होती है. Narrow questions: can our sixth grade students identify appropriate and inappropriate social behavior? आप कुछ young generation को या youth को या young students को आपने एक training provide की, उनको learn कराया मुख्तलिफ social behaviors के बारे में, तो क्या वो appropriate और inappropriate social behaviors के बारे में या उनको identify कर सकते हैं? Next, how many of our 10th grade students have identified their role or work related interest using an interest inventory? So 10th grade students ko ab specify kiya ja raha hai kyunki narrow down questions hain ye. Pehle broader perspective tha, do communities mein comparison tha, do groups mein comparison tha. अब नैरो डाउन कर दिए उसमें से ग्रुप का एक सब ग्रुप क्रिएट करके सिक्स ग्रेड या टेंथ ग्रेड के. हैव 100% ऑफ अवर टेंथ ग्रेड स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड एटलीस्ट थ्री ऑक्यूपेशंस टू एक्सप्लोर फर्दर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू फॉर द स्कोप. Please identify those areas that might be considered broad and those that might be considered narrow. In your own work or own evaluation area, please identify some broad questions and some narrow questions. आप ये देखिएगा या आपने इस एक्सरसाइज को इस तरह करना है कि कोई भी आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, मैं फिर कहूंगा इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उठाई है या आप कोई सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग उठा रहे हैं या आप कोई पर्सनल लाइफ की ट्रेनिंग का एस्पेक्ट उठा रहे हैं, एनीथिंग, लेकिन आपने उसका एक ब्रॉड एरिया और एक नैरो एरिया उसको आइडेंटिफाई करना है. सेकंड, हाउ लार्ज विल द रिसोर्सेज नीडेड टू बी टू आंसर द क्वेश्चन. और फिर उसमें आपने रिसोर्सेज को भी मैंशन करना है. यह आपकी एक एक्सरसाइज होगी. इसके अलावा एक दूसरी एक्सरसाइज है, दैट इज List one broad evaluation question and one narrow evaluation question. और फिर उसके लिहाज से आपने एक broad evaluation question put करना है या design करना है और एक narrow evaluation question आपने put करना है या design करना है. Module 5, identifying evidence needed. Identifying evidence needed to answer your question. What evidence do you have to answer your question? Need to think about what information you need in order to answer your evaluation question. Example evidence, broad scope. Do our students contribute positively to society after graduation? Percent of our students that are employed in education or training programs in the military and supporting a family by working at home and or are volunteering for charitable cause 3 years after high school graduation. Percent of our students that vote in the local and national election 5 years after graduation. So ye ek example hai evidence ki, ki aapko evidence kuch milta hai तो उसकी बेस पे आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. ये एविडेंस क्या है, आप, मैं इसको इस तरह पुट करता हूं कि हमें अक्सर रोड पे चलते हुए आजकल एजुकेशन सिस्टम्स के मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम या स्कूल सिस्टम के हमें कुछ साइन बोर्ड्स, कुछ बिल बोर्ड्स हमें नजर आते हैं और उस पर उन्होंने अपने एक एवेल्यूएशन या अपना एक रिजल्ट लिखा होता है कि इतने स्टूडेंट्स ने ए प्लस ग्रेड में पास किया, इतने स्टूडेंट्स ने इतनी बोर्ड में पोजीशन ली. सो ये आपको कुछ परसेंटेज एविडेंस आपको मिल रहा होता है इन ब्रॉड स्कोप. सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर यू. नेक्स्ट इज नैरो स्कोप. हैव 100% ऑफ अवर 10th ग्रेड स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड एटलीस्ट
three occupations to further explore that are based on the interest, abilities and knowledge of the education and training requirements. ये आपका अगेन एक एविडेंस है लेकिन नैरो स्कोप में है. नंबर ऑफ 11th एंड 12th ग्रेड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द कैरियर क्लास दैट डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज्ड कैरियर मेच्योरिटी फ्रॉम अ प्री एंड पोस्ट टेस्ट. एक्सरसाइज फॉर एविडेंस लिस्ट एविडेंस यू नीड टू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. आप कोई भी चीज अपना एरिया उठा लें और उसके मुताबिक आप अपना कोई भी एरिया उठा लें और उसके मुताबिक आप अपने क्वेश्चंस नैरो और ब्रॉड क्वेश्चंस आप डिजाइन करें. नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द डिजाइन. स्पेसिफाई इवैल्यूएशन डिजाइन. नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजाइंस रिलेट्स टू व्हेन डेटा शुड बी कलेक्टेड. स्टेटस हेयर एंड नाउ स्नैपशॉट्स. कंपैरिजन ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी. प्रोग्राम A versus program B. Change. What happened as a result of a program? What differences are there between time A and time B? Longitudinal. What happens over extended time? So, ये जो type of designs हैं, ये क्या चीज़ है? आपने evaluation करनी है. Evaluation में आपके जो types of design है, वो क्या चीज है. नंबर वन इज आपका स्टेटस है. हेयर एंड नाउ. वी मैनी टाइम वी आस्क अदर पर्सन ऑन मोबाइल और ऑन फोन कि अभी आप कहां तक पहुंचे. समवन इज कमिंग टू योर होम. आपने उनको रास्ता बताया कि हमारे घर का रास्ता ये है, तो आप उनसे बीच बीच में फोन करके पूछते हैं कि अभी कहां तक पहुंचे, अभी आप कहां पर हैं. सो वो उस वक्त की जो सिचुएशन होती है उसको एवेल्यूएट करना, फिर उसके जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको एवेल्यूएट करना, फिर उसके जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको एवेल्यूएट करना. ये सिमुलेशन टेक्निक्स में भी ये यूज होती है. मिलिट्री स्टैटिक्स में भी ये चीज यूज होती है. आपके कुछ ब्रॉड प्रस्पेक्टिव में आपके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं फोर्सेज में, उसमें ये टेक्निक यूज होती है. आपकी इवन सो एंड सो आपके जो कोई रोल प्लेइंग है विद इन दैट स्ट्रेटेजिक एवेल्यूएशन, तो उसमें भी वो आपके स्टेटस जो है वो उसको यूज करते हैं. सेकंड वन इज कंपैरिजन. आपने एक चीज लॉन्च की, एक ने उसके फेवर में बोलना है, एक ने उसके अगेंस्ट में बोलना है. इस तरह आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स क्रिएट कर दिए. आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, या आपने एक ही टास्क दिया है. एक ग्रुप ए को दिया है जो कि 10th ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, एक आपने ग्रुप बी को दिया है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं. सो दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है, दोनों का रिजल्ट आपने फाइंड करना है. आप इसकी इस तरह एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आपने एक काम ओबीस पर्सन को दिया है और एक काम आपने सेम काम आपने स्किनी पर्सन को दिया है. सो ओबीस उसको किस तरह करता है और जो स्किनी है वो उसको किस तरह करता है, उन दोनों का रिजल्ट आप मैच कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं. सो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की डाइट, इस तरह की मेडिसिन या इस तरह का एनवायरनमेंट जो है उसमें ओबीस इस तरह रिएक्ट करता है और स्किनी इस तरह रिएक्ट करता है. या आप मुख्तलिफ किस्म के कंपैरिजंस क्रिएट कर सकते हैं. इसी तरह आप अपने प्रोग्राम्स के कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं कि प्रोग्राम ए आपने जो ऑर्गेनाइजेशन एक्स में आपने इंप्लीमेंट किया था उसका ये रिजल्ट निकला, प्रोग्राम बी जो आपने ऑर्गेनाइजेशन वाई में इंप्लीमेंट किया था उसका ये रिजल्ट निकला. आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन और दो ऑर्गेनाइजेशन को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंज. वॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम. वॉट डिफरेंसेज आर देयर बिटवीन टाइम ए एंड टाइम बी. ये चेंज के पॉइंट को आप फिर से थोड़ा सा स्टडी करें. वॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम. वट डिफरेंसेज आर देयर बिटवीन टाइम ए एंड टाइम बी. प्रोग्राम का जो रिजल्ट था, अगेन उसके जो टाइमिंग है वो बड़ा फैक्टर है, वो बहुत मैटर करता है. टाइम ए आपने ए टाइम में उसका जो रिजल्ट था और बी टाइम में उसका जो रिजल्ट था, आपने दोनों टाइम्स को आपस में कंपेयर किया और उसने क्या रिजल्ट, वो जो चेंज इन रिजल्ट है वो क्या है. लॉन्गिट्यूडनल. व्हाट हैपेंड ओवर एक्सटेंडेड टाइम. टाइप ऑफ डिजाइन में एक लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट है एवेल्यूएशन का कि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में उसका रिजल्ट क्या निकलता है. आप उसको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप उसको इवेल्यूएट करेंगे या जज करेंगे या उसको रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे.
What type of design fits each evaluation question? Status, comparison, change and longitudinal. ये आपके लिए एक डिजाइन का एक evaluation questions है और उसमें कौन सा evaluation question किस डिजाइन में फिट बैठेंगे ये आपने एक्सरसाइज करनी है फॉर योर ऑन लर्निंग. नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन प्लान मॉड्यूल 7. क्रिएट अ डेटा कलेक्शन एक्शन प्लान. ऑर्गेनाइज योर एवेल्युएशन विद अ डेटा कलेक्शन एक्शन प्लान. ऑर्गेनाइज योर एवेल्युएशन विद अ डेटा कलेक्शन एक्शन प्लान. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल फैक्टर होता है. या आई ऑलवेज सीक द आंसर फॉर दिस थिंग कि ये डेटा आपने कहां से कलेक्ट किया है. चलो जी, कहां से कलेक्ट किया वो तो एक सेकंड स्टेप आ जाता है. आपने किस बेस पे कलेक्ट किया है, किस बेस पे कलेक्ट किया है, क्या कलेक्ट किया है, कैसे कलेक्ट किया है, किससे कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है और फिर आपने उस डेटा को एनालाइज कैसे किया. ये सारे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं और ये बड़े ही क्रिटिकल किस्म के क्वेश्चंस हैं. आपको अगर ये सिक्स एरियाज आपने अगर याद कर लिए या आपने इसको समझ लिया, याद क्या करना है, इट्स अ मैटर ऑफ अडॉप्टिंग द कॉन्सेप्ट. आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया तो फिर आप एक बहुत ही क्रिटिकल किस्म के एचआरडी मैनेजर या रिसोर्स बन सकते हैं क्योंकि हर चीज का जो कुछ बेसिक्स होती हैं और उन बेसिक्स को ही अगर आप पॉजिटिवली या क्रिटिकली एनालाइज कर लें तो आपका जो रिजल्ट आप दूसरे से अचीव करवाना चाहते हैं या आप दूसरे की किसी गलती को आप पकड़ना चाहते हैं या उसकी ऑथेंटिसिटी को आप एक्सेप्ट करना या करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये सिक्स एरिया सिक्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं इनको क्वेश्चंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिस इज समथिंग विच शुड बी इन योर माइंड. ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपने ये काम जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से इंशाल्लाह यू विल बिकम द सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ये एक रोल आप प्ले कर रहे होंगे. सो एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू आपने अगर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो उसके लिए ये सिक्स एरियाज को आपने अपने जहन में या अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना लेना है. यह आपको बहुत फायदा देगा. वट इट सेज इज वॉट विल बी कलेक्टेड बेस्ड ऑन एविडेंस रिक्वायर्ड. हाउ कलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, कैसे कलेक्ट किया आपने या किस बेस पे आपने कलेक्ट किया है वो. What was the question? What was the evidence? What was the questionnaire or evaluation area? आपने किस बेस पे उसको कलेक्ट किया है, उसके बाद आपने उसको कलेक्ट कैसे किया है, ये बहुत मैटर करता है. समटाइम वी गेट सर्टन नंबर्स, लेट्स से हमने सेल्स के नंबर्स चेक करने हैं या आपने इसकी बेस पे आपने इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लॉन्च की है, आपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आपने एक नई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के थ्रू आपने क्रिएटिविटी क्रिएट की और उस क्रिएटिविटी से आपने एक नई स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च किया, एनीथिंग, वो तो सारा कुछ हो गया. लेकिन ये जो आप रिजल्ट मेरे सामने लेकर आए हैं कि लेट्स से आप कहते हैं कि जी हमारे इस ट्रेनिंग के बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या हमारा मार्केट शेयर जो है वो इतने परसेंट इंक्रीज हो गया, द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू और यू शुड बी आस्किंग फ्रॉम अदर पर्सन हू इज टेलिंग यू कि आपने ये जो नंबर्स लेकर आए हैं ये आपने कलेक्ट कैसे किए हैं, किस बेस पे आपने कलेक्ट किए हैं, क्या आप खुद गए थे, आपने सर्वे किया है, अगर सर्वे किया है तो आपके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, आपने किस ग्रुप से सर्वे किया है, किस एरिया का जाकर सर्वे किया है, टाइमिंग क्या थे जब आपने सर्वे किया है, ये बहुत मैटर करता है. कोई पब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट था वो आपने यूज किया, फोकस ग्रुप था जिसको आपने यूज करते हुए आपने ये रिजल्ट कैलकुलेट किया या ये आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आपने खुद मार्केट का एक विजिट किया, जनरली आपने 8-10 लोगों से पूछा, आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली और उसकी बेस पे आपने जो है ये रिजल्ट कैलकुलेट किया. सो ये हाउ का जो फैक्टर है
हाउ कलेक्टेड, वो जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया वो बहुत मैटर करता है। अभी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में या नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग ये देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे डिजाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट किस किस्म के होते हैं, उनको इवेल्युएट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम होम, हु और वॉट प्रोवाइड्स एविडेंस। अगेन आपने किससे कलेक्ट किया है, पहले था कैसे कलेक्ट किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, अब यह है कि आपने किससे कलेक्ट किया, फ्रॉम होम कलेक्टेड। आपने एक प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया एक लेट्स से एक स्पेसिफिक स्कूल में, अगर आपका बंदा दूसरे स्कूल में जाके वहां से एक डेटा कलेक्ट करके ले आता है और आपको आके बताता है कि जी इतने परसेंट फायदा, तो क्या वो आपका रिजल्ट ऑथेंटिकेटेड होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। आपने एक मार्केट में एक लेट्स से एक कम्युनिटी में आपने एक जाके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आपने एक लर्निंग प्रोग्राम, अवेयरनेस के ऊपर आपने एक लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके बाद आपने उसका अगर सर्वे करना है आप किससे करेंगे, छोटे बच्चों से करेंगे, किससे आप कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन कि उसका कितना इम्पैक्ट हुआ, क्या आप खौतीन से करेंगे, हाउस होल्ड वाइफ से करेंगे, आप मेल मेंबर से करेंगे, लड़कों से करेंगे, लड़कियों से करेंगे, बुजुर्गों से करेंगे, किससे करेंगे, फ्रॉम होम कलेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। फ्रॉम होम कलेक्टेड हमेशा आपको एक पिन पॉइंट एरिया बता देती है कि आपकी इस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट एक्चुअली इस ग्रुप पे सबसे ज्यादा हुआ है। आपने वो प्रोग्राम तो सबके लिए लॉन्च किया था, प्रोग्राम तो आपने पूरी उस कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया था, लेकिन उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट उस कम्युनिटी में जो वहां की यंगर जनरेशन थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा हुआ। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दैट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिनरल वाटर लॉन्च किया, ह्यूज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, उसने मिनरल वाटर लॉन्च किया या प्योरिफाइड वाटर उसने लॉन्च किया। लॉन्च उसने किया था इन टर्म्स ऑफ एडल्ट्स, लेकिन उस लॉन्चिंग का, उस अवेयरनेस प्रोग्राम का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, एंड दे वर ऑल्सो शॉक्ड बाय देमसेल्फ, उसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ वो जो यंगेस्ट जनरेशन थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ। हालांकि लॉन्च उन्होंने एडल्ट्स के लिए किया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर या सबसे ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर जो था वो यंगर जनरेशन पे था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, व्हेन कलेक्टेड एंड बाय होम कलेक्टेड। अगेन टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, आपने कब कलेक्ट किया और किसने कलेक्ट किया, क्या आपने एक थर्ड पार्टी को दे दिया था, आपने कोई एक स्पेसिफिक डेट पे उसको कलेक्ट किया, क्योंकि लेट्स से आपने डेटा कलेक्शन, आपने अगर मैं इसी मिनरल वाटर की एग्जांपल उठा के देखता हूं, अगर आपने डेटा कलेक्ट किया विंटर में तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। आपने अगर उसको समर में उसको उसका डेटा कलेक्ट किया तो उसका रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि समर में उसकी ज्यादा यूटिलाइजेशन है, विंटर्स में कम है। आपने दिन के किस टाइम में उसको कलेक्ट किया और किस ने उसको कलेक्ट किया, क्या आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों ने जाकर कलेक्ट किया, क्योंकि उनके कलेक्ट करने और थर्ड पार्टी के उनके कलेक्ट करने में फर्क होगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टेक है, आपके बंदे शायद ज्यादा लॉयल होंगे, थर्ड पार्टी शायद सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है, तो वो हो सकता है बीच में उन्होंने कुछ फिक्टिशियस फिगर्स डाल दी हों, फेक फिगर्स एड कर दी हों, फेक क्वेश्चनर्स बना के फेक उसके फिलिंग कर ली हो क्वेश्चनर्स की, सो इट्स पॉसिबल। सो किसने कलेक्ट किया है यह भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट, हाउ डेटा आर टू बी एनालाइज्ड, डेटा एनालाइज कैसे की है, देर आर सर्टन टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं। आपने आप में से वो लोग जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी की होगी उनको इन इंस्ट्रूमेंट्स का या इन टेक्निक्स का या इन फॉर्मूलाज का नाम पता होगा, टी टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है, अनोवा, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के आपके टेस्ट हैं। आप कैसे उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, किस बेस पे एनालाइज कर रहे हैं, आप कोई परसेंटेज यूज कर रहे हैं, आप उसका मीन निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, एसडीए अप्लाई कर रहे हैं, वो डेटा किस बेस पे आप एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है या वो जो टेक्निक है वो उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन बता रही है। सो ये बहुत अगेन मैटर करेगा कि हाउ डेटा आर टू बी एनालाइज्ड। डेटा सोर्स, हु एंड व्हाट,
students, parents, teachers, counselors, employers, friends, documents and others. Data ke jo sources hain wo kya kya ho sakte hain, who and what. Aapke students ho sakte hain, parents ho sakte hain, teachers ho sakte hain, counselors ho sakte hain, employers ho sakte hain, employees ho sakte hain, friends ho sakte hain, kuch documents hote hain, wahan pe aapko data mil jata hai. आपके कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं वहां से आपको डाटा मिल जाता है. सो ये न्यूमरस नंबर्स ऑफ एरियाज फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट द डाटा, या डाटा सोर्स जहां से आपको मिलता है. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस. हु और व्हाट आर द डाटा सोर्सेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या चीज है, ये क्वेश्चन मैंने यहां पे नहीं ऐड किया. क्यों? रीजन, क्वेश्चन आप खुद क्रिएट करेंगे. आप इसी जगह पे, इसी स्लाइड का अगर आपका प्रिंट है, आप उसके ऊपर लिख लें, या आप सेपरेट पेज के ऊपर आप एक क्वेश्चन बनाएं और उस इस जगह पे आप उसको पुट करें. रीजन कि यहां पे पुट करने का मैं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन नोट्स में अगर आपके पास ये क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ पे आप उसको मैप कर सकेंगे. आप आगे देख के वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, पीछे देख के आप उसका पर्सपेक्टिव टाइप डिजाइन कर सकते हैं. मींस के नैरो है, ब्रॉड है, किस तरह का क्वेश्चन है वो. सो आपका पर्सपेक्टिव या स्कोप क्या है उस क्वेश्चन का. सो आपने वो डेटा सोर्स के मुतालिक आपने एक क्वेश्चन डिजाइन करना है. मेक श्योर कि वो नैरो वैल्यूएटेड है या ब्रॉड वैल्यूएटेड क्वेश्चन है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.